बताया हो 72 साल से यहाँ कांग्रेस के एक एक गो बाप के तीन तीन गो बेटा के प्रधानमंत्री बनैली, लेकिन वो जतेक ऊंच गेल अहाँ सब ओतेक नीच बनल छी कि न बनल छी फैसला कर। अब यहाँ के फैसला करे के है कि देश में यहाँ नीच बन के रह लागी चाहे छी या आत्म सम्मान के जिंदगी जिये लागी चाहे छी। अब फैसला करे के है कि निरंजन राम के हत्या में पुलिस कस्टडी में विजय राम के मारे वाला और मारे वाला के बचावे वाला मधेसिया और कम्युनिस्ट सरकार के साथ रह लागी चाहे छी या अपना बेटा के खून के बदला ओकरा विपक्ष में वोट दे के लेवे लागी चाहे छी। यहाँ के फैसला करे के समय आ गेल है। देश में लोकतंत्र के नाम पर गरीब जनता के साथ, अहक के साथ, यहाँ के साथ, प्रत्येक घर के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा है, अहाँ के लूट रहा है। अरे लोकतंत्र के मतलब जनता के शासन होई छे। जनता के बेटा प्रधानमंत्री बने के चाही, जनता के बेटा शासन करे के चाही, लेकिन यही देश में लोकतंत्र न है, यही देश में जात तंत्र है और ब्राह्मण तंत्र है। यही देश में एक गो जात आज तक ले प्रधानमंत्री बनते आ रहा है, वही सिस्टम के तोड़े के लिए हम यहाँ सबके बीच में आए थे। अगर यहाँ चाहे थे कि यहाँ के झोपड़ी में आके घर में अमन चैन और शांति रहे, जय जलानी जमीन पर हमर माई बहन के घर बनल है, आज जय सरकार के यहाँ वोट दै छे, उ सरकार सड़क बनावे के नाव पर हजारों और लाखों गरीब दलित श्रमजीवी के घर उजार दिलकै, और हम यहाँ अभी भी अपन माइंड के अभी भी तगड़ा न कर रहल छी, घर उजरबावे के काम करे वाला के यहाँ मधेसिया के नाव पर वोट दे रहल छी। ई के सोचतै, ई के समझतै? अगर यहाँ ये बात के समझ गेली, हम सब जब पार्टी दर्ता करैली, मनुवादी ऐ देश के हिल गेले और कहै छी गरीब के बेटा से कहीं पार्टी चलै छी, गरीब के बेटा से पार्टी न चलते, ओकरा हम जना देवे लागी चाहे छे ये मंच से। उ कहैत होती गरीब के पार्टी है, लेकिन यहाँ अहाँ के कृपा और आशीर्वाद से, जनता के कृपा और आशीर्वाद से आई देश के सबसे अमीर के पार्टी हमर बहुजन एकता पार्टी है, इस साबित करा के दिखा दे। कह लगी अमीर है, अहाँ अपना घर से खाना खा के, अहाँ अपना घर से अपन ट्रैक्टर पर चढ़ के 20-20 किलोमीटर से पैदल चल के अगर हरिनंदन के बेटा मान ले छी और बेटा के साथ सहयोग करके आई देश में अपन हुकुमरानी चलावे लागी चाहे छी, तब तो हमरा जोरे आयल छी, तब तो यहाँ के पार्टी के सभा में सहभागी होय लागी आयल छी। ई जे भीड़ है कोनो पैसा पर किनल भीड़ न है, जे अहाँ सब आयल छी जनता जनार्दन लोग, हाथ उठा के कह दू अहाँ सब अपना खर्च से जतेक आयल छी सब हाथ उठा के देखाओ, सब हाथ उठा के देखाओ। एते के हम अनुवादी लोग के देखे लागी चाहे छी, हजारों हजार के भीड़ अपन पैसा अपन श्रम अपन शक्ति का के आई लागी आयल है कि अब हमर माई बहन चाह रही के देश में बलात्कार न हो के चाहिए। अतेक भीड़ जनता के अतेक जोश आई लगी गली गली में नारा लगा रहा है कि अब की बार देखकर जतेक जनसंख्या भारी है ओतेक हिस्सेदारी मिले के चाहे, ये चीज दिखा देवे के काम यहाँ सब कर ले छी। हमरा सब के ये चीज करे के है। अब यहाँ के गांव गांव में वोट हो रहा है, गांव गांव में यहाँ के चोर लुटेरा सब घूमे के शुरू कर दिले है, दारू बांटत, पैसा बांटत, अहाँ के वोट काटे के काम करत, अहाँ के वोट ठगे के काम करत। हम सब एगो नारा दिले छियै, आए दलितो, आए अल्पजनो, बहुजनो, एक बात मेरा याद रखना, एगो बात हमर याद रखम, दारू पैसा बांटते, अब कुछ दिन में शुरू होने वाला है, दारू पैसा बांटते बाद में आपको पीटते, दारू पैसा बांटते 5 साल आपको लूटते। अब हम सब कथी कहे छे दारू पैसा लेना नहीं, इन चोरों को वोट देना नहीं। अब इस देश से चोर लुटेरा के शासन खत्म करे के है, इस देश में यहाँ के बेटा के शासन लावे के है। अगर यहाँ सब के ही अपील करम अपना स्रोत साधन से जे आयल छी, अहाँ के एगो बात बता देवे लागी चाहे छी, जे नेता के पीछे यहाँ सब आई तक ले लागल छी, उ नेता यहाँ के लेल नेता बने लागी अभी,
लेकिन हरिनंदन और राजा राम पासवान अहा के बीच में नेता बने के लिए ला अहा के बेटा बने के लिए आए। और एक उदाहरण है, जतेक पार्टी में आ सब गेल छी, जतेक संगठन में जाके ताली पिटले छी, ओकर घर के माई बहिन बहू बेटी और ओकर बच्चा वही रैली में कहियो सहभागी न होई छै, कहियो सहभागी न होई छै। 663 गरीब महिला के साथ बलात्कार भेलै, एको गो ए नेता के घर के महिला के साथ कोनो किसिम के हरकत न भेलै, अहां सब के घर में अहां सब के बेटी बहिन के साथ भेलै। और यहाँ के इन लड़ाई में हम अपना दिल जान से भी जेहन तरीका से यहाँ के माई मानी थी वहन तरीका से यहाँ के बराबर में अपना माई बहन के भी खड़ा कह ले थी। आ यहाँ के भीड़ में सिर्फ यहाँ के बहन मात्र भीड़ में आंदोलन न कर रहा है, हमर घर के हमर बहन भी यहाँ के भीड़ में बैठ के कहीं यहाँ के हिस्सेदारी बन रहा है। हमारे 3 साल के 2 साल के बेटा भी यहाँ के जोर नारा लगावे के लिए चल रहा है। हम यहाँ के माई मानी छी, यहाँ के बहन मानी छी, यहाँ के अपन गार्जियन मानी छी, आई के चलते देख सकी छी यहाँ हमर परिवार हमर घर के लोग बाल बच्चा सब यहाँ के जोर नीचा में बैठ के और ये देश में यहाँ के राज स्थापित करे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये बात के यहाँ समझ के लिए कि जय अपना माई बहन के यहाँ के जोर नारा लगावे के लिए न चला सकिए, वो महिला के हक हित कैसे सुरक्षित कर सकिए। जय अपना 2 साल के बेटा के या अपना बेटा के बेटी के गरीब के बेटा से झंडा उठवावे के और अपना बेटा बेटी के अमेरिका पढ़ावे के काम करिए, वहन नेता यहाँ के कई न हो सकिए, अहाँ के जोर हमर बेटा भी झंडा उठावे के। ये चीज यहाँ के बुझे के पड़त, ये चीज यहाँ के समझावे के लिए आयल छी। अब यहाँ सबसे एगो फिर अपील करी छी, जते लोग एमे बैठल छी उ सब लोग में हमरा बेटा माने वाला कते लोग छी, हाथ उठा के बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमरा ये गर्व हो गया है कि जब तक ले अहाँ के धरती अहाँ के लिए कुर्सी अहाँ के लिए धन के बंटवारा न करा दे छी, जब तक ले अहाँ के स्वाभिमान न वापस लिया दे छी, जब तक ले सबसे गरीब के बेटा के प्रदेश नंबर 2 में पहल का धक्का में मुख्यमंत्री बनावे के काम न करब, तब तक ले हम सब चैन से बैठे वाला न छी। और जब तक ले राजा न बनब हम यहाँ, तब तक ले हमरा यहाँ के हक अधिकार सुरक्षित न हो सकिए। लोकतंत्र के नाम पर लुटलक, आई देश में माओवादी जब बंदूक उठल गए तो ओकर नारा रहे कि हम सबके जमीन बांट देवे, गरीब के बेटा के कुर्सी देवे, लेकिन माओवादी के हसुआ हथौड़ी जो चुनाव चिन्ह में फटाफट वोट मार के जे यहाँ ओकर सरकार देले छे, वो हसुआ यहाँ के हाथ में जरूर है धान काटे के लिए दूसरा खेत में, वो हथौड़ी यहाँ के हाथ में जरूर है दूसरा के जाके हथौड़ी कूटे के लिए पीटे के लिए, लेकिन जो हसुआ हथौड़ी से नेता बनल है वो यहाँ एको गो यहाँ के बेटा न है। यही देश के यही जिला के सबसे जमींदार जो गरीब के शोषण कर जो हसिया हथौड़ी से नेता बन गए। अब यहाँ के फैसला करे के है हसुआ हथौड़ी पकड़ के और यहाँ के शोषण करे वाला के नेता बनावे के है या सीढ़ी पर चढ़ के यहाँ के पीढ़ी बदले के है, ये फैसला यहाँ के करे के है। आई के चलते घर घर में सीढ़ी भेज ले छी, घर घर में यहाँ के लेल राजा बने के साधन भेज दिले छी। जे लोग कहे छी गरीब के बेटा सरकार न चला सकी है, अहाँ के अभी कहे के है घर में कि देश गरीब के है, ये देश मूल निवासी के है, ये देश पिछड़ा वर्ग के है, ये देश मुसलमान के है, 100 गो में 80 गो बेटा यहाँ के है, तो 20 गो वाला कैला सरकार चलते, अब 80 गो वाला के सरकार चला रहे। ये चीज यहाँ के बुझ के जाए के है, ये चीज यहाँ के बतावे के लिए दूर दूर से बुलाए ले थी, यहाँ के ये चीज समझे के है। जै दिन समझ ले ली, जै दिन बहुजन समाज जा के लिए, वही दिन समझो लंबा लंबा टूपी वाला और ढका टोपी वाला के सरकार के विदाई तय हो जाता है। पहाड़ी मधेसी के चक्कर में न पड़े के है, पहाड़ी मधेसी के नाम पर हमरा यहाँ के बरगला के अभी भी सरकार चलावे वाला पार्टी के रवैया देख लिया,
हम सब कहे छे आई देश में कोई री कुमार तेली अहिर चाहे कोनो भी जात के हो चाहे मीन मला हो चाहे मुसलमान हो सब जाति के कुर्सी मिले के चाहे सब जाति के धन धरती मिले के चाहे। अरे मधेसिया के नाव पर एगो जात एगो वंश और वही आर्य सबके गुलामी करे वाला सिस्टम के खत्म करे के लिए राजनीति करे। गुरु रविदास जी कथी कहलकै गुरु रविदास जी कहलकै ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन छोट बड़ सब सम रहे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। हम सब ऊंच नीच के व्यवस्था के खत्म करे के लिए आयल छी अहां के ऊपर अन्याय होइए ओकरा खत्म करे के लिए आयल छी। अगर यही में सहमत छी तो सबे से बनिया राजनीतिक पार्टी मानवता के लिए स्वतंत्रता के लिए और गरीब के बेटा के राजा बनावे के लिए सीढ़ी छाप है। अगर आई 72 साल से जना मधेसिया के नाव पर पहाड़िया के नाव पर गरीब के नाव पर लोकतंत्र के नाव पर कांग्रेसिया के नाव पर जो लूटते आयल है अगर वहने लूट आई दे लागी चाहे थी तो यहाँ के पार्टी मुबारक है जिंदाबाद है रहो कांग्रेस के घर में रहो माओवादी के साथ में ये चीज यहाँ के कहे लागे आयल छी। अरे हमर मैसेज है हम राजा बनावे के लिए आयल छी केकरा राजा बनबे अहाँ के बेटा के अहाँ के बेटी के राजा बनावे के और याद रखो राजा बनावे के काम कोनो एलचा बेलचा तमलचा पार्टी के चापलूसी करे वाला आदमी से कहियो न होइ छै। राजा बनावे वाला काम उहे कर सकिया जे अपना बाप के गौरव से बाप कहे के हिम्मत रखे छै। अगर हम सहलेश के औलाद छी तो यहाँ कई माने के परत कि महाराज सहलेश कई धरती रहल है महाराज सहलेश सेवा के राजा रहल है। अरे हम ओकरा से कोनो नया मांग न कर रहल छे हम ही कह रहल छे कि हम इसे पहले ही देश हमर रहल है और फिर से दोबारा ही देश हमर होए के चाहिए ये चीज कहे के लिए आयल छी। महाराज सहलेश के अगरबत्ती देखबते देखबते आँख में से धुआं गिरा दिलिए गौरव से कहे हम सहलेश के बेटा छी और जाके अल्टू फाल्टू ब्राह्मणवादी के चमचागिरी करे छी पैर के जूता चाटी छी और कहे हम सहलेश के अरे याद करू शरम करू जेहन बाप है ओहन बेटा होए के चाहे अगर ओहन बेटा न भेले तो बाप के नाव नीच करे के काम बंद करे के ई चीज यहाँ के बुझे के पड़ल ई चीज समझे के पड़ल। कहे छै देश में बहुजन समाज के सरकारे न बन सकै छै आई देश में दलित के पिछड़ा के गरीब के सरकार न बन सके आई देखो आंख पसार के जब हम सब पार्टी शुरू कर लिए कह जी खाली दलिते रहती है दलित भाई दोसर समर्थन ही ना करते। अरे मंच पर अगर विचार सही है नीति सही है नियत सही है और ईमानदारी पूर्वक काम करबे ओकर प्रतिफल देखो मंच पर ब्राह्मण से लेके जय व्यवस्था में सूत्र बनाएल गेल है सब नेता मिल जाए और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आदमी यहाँ के फील्ड में मिल जाए ये हमारा यहाँ के ताकत के परिचय है ये चीज करे के है ये चीज ऐ देश में बदले के है। हमारा यहाँ के हजारों साल पहले जो टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिलक जात जात में बांट दिलक हम यहाँ कहे छे हम तो ओबीसी छी चमार दुसार से ऊंच छे। अरे यादव कहे छे हम चमार से ऊंच छे चमार कहे छे मुसहर से ऊंच छे ब्राह्मण कहे छे हम क्षत्रिय से ऊंच छे। अब यहाँ के बात बता दे छे मेरे आई देश में सबे से ज्यादा अपना प्रदेश में खास करके यादव समाज के लोग सब कहे छे कि हम चमार दुसार से बहुत ऊंच मेवा के शासक छी मान ले ली हम मुसहर चमार कोइरी कुमार से अपने आप के ऊंच माने छी। लेकिन पता है जनकपुर में जो सरकार चलाबी छे वही पार्टी के एक मिनिस्टर और सिटिंग एमपी यादव रहल थी ना और उनका एमपी के सीधे घरे से उठा के गाड़ी में पैक कल के और अपहरण के शैली में काठमांडू ले गए और यादव जी से एमपी रहे मुदो दर्ता ना हो दिल के वो कौन तरीका के बरुआरी बताओ भाई। अरे लाठी उठावे के है तो ब्राह्मण समाज ब्राह्मणवादी विचारधारा जो देश में सदियों से हमारे यहाँ के शोषण करते आ रहा है वो तो छतरी के ऊपर भी शोषण कैले है वैसे के ऊपर भी शोषण कैले है सूत्र के ऊपर भी शोषण कैले है। हमरा सब के की करे के है एक डंडा यादव के लागल है दू डंडा कुम्हार के लागल है तीन डंडा तेली के लागल है और चार डंडा चमार दुसाद के लागल है। लेकिन डंडा तो सबके मारिए रहा है
चाहे एक डंडा हो चाहे चार डंडा हो, जब पिटाई खा लेली तो इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा तो एक डंडा पीटो पीते करो। ये नहीं कि चार डंडा पिटाए वाला के दूगो सुइया ज्यादा पड़ते, लेकिन पीट तो दिली है। हम ही कहे लगे आयल छी कि देश में अलग अलग जात में बट के रहब तो हम यहाँ शासन न चला सक।